ट्रेन के इंजन में कपड़े की दुकान है, ऊपर में अलबैक है और ये पूरा एरिया है अलबलब का। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। अभी हम लोग मौजूद है जिद्दा में। जिद्दा जो है स्पेशली पोर्ट सिटी बोला जाता है, ये पोर्ट सिटी है, रेड सी का एरिया भी आता है इधर। और जिद्दा जो है इस्लामिक गेटवे बोला जाता है, मतलब यहाँ से आप बोल सकते हैं मक्का मदीना दोनों ही पास में ही है। मक्का थोड़ा ज़्यादा ही पास में है और मदीना यहाँ से 400 किलोमीटर है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जिद्दा की ओल्ड सिटी जिसको बोलते हैं अल बलद, वहाँ जा रहे हैं। हमारे साथ में एक स्पेशल गेस्ट जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, सनाव भाई आए हैं, और तो ये हमारे दोस्त सिराज भाई तो पहले से जानते ही हैं। तो हम लोग जा रहे हैं, चलिए आपको दिखाते हैं कुछ व्यू रास्ते का, कुछ होगा यूनिक तो आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। अभी हम पहुंच चुके हैं अल बलद मार्केट में, पीछे देख सकते हैं पूरा मार्केट लगा हुआ है। और ये सामने में मॉस्क है, बहुत ही खूबसूरत मॉस्क है ये। यहाँ पे आने से सेम से मुझे दिल्ली और कलकत्ता याद आ रहा है, चांदनी का। इसी तरह फूड पे यहाँ पे जीन्स और जूते चप्पल मिलते हैं। और ये सब देखिए घर, सब देखिए पुराना पुराना घर है, डिजाइन सब बना हुआ पहले का। 150 यहाँ पे डेट मिल रहा है, ये डेट है 25 रियल किलो मबरूम। ये 35 रियल है, अच्छा। और ये है, ये 20 रियल है। ये सब डेट की वैरायटी सर है। हमारे सिराज भाई को बेल्ट लेना है, ये कितना बेल्ट है भाई इंडिया का? 10 रियल वाला है, मेड इन इंडिया कैट का ना। 10 का मिलता है ना यार, 10 का है ये, 10 रियल का भी मिल रहा है ये, 10 ये 10 का ये अच्छा हो रहा है, देखो कैट का अच्छा होता है। इससे बेल्ट की क्वालिटी है, कैट की है ये। कितने रियल का है ये? कैट नहीं है ये, 25 रियल का है, लास्ट 20 रियल का यार, 20। और महंगा वाला है ये, देखो 35 कितना भाई जान नमाज कौन सा ये बोला? ये 12 का, ये 15 का, ये 20 का। जैसे हमने आपको दिखाया है रियाद का मक्का मार्केट, दमाम का सीको मार्केट, वैसे ही जिद्दा का ये अल बलद मार्केट है। ये बहुत ही फेमस सेम सेम बदाम मार्केट है आपका, रियाद को जो देखा है ना सेम सेम डिक्टो है, और उससे भी बड़ा है। हाँ ये बड़ा है, इससे भी बड़ा है। और स्पेशली ये फेमस है मार्केट के लिए भी फेमस है, और यहाँ पे जो ओल्ड हाउस है ना इसलिए ज़्यादा ही फेमस है ये। ऑलमोस्ट जैसे अपने इंडियन पाकिस्तानी फिलिपिनी बांग्लादेशी है ना, ये उनकी मार्केट है, ये उनकी सेम मार्केट है। जैसे आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे अपना रियाद का बथा मार्केट सेम है, फ्राइडे सैटरडे बड़ा है, बड़ा फुल है। रियाद वालों के लिए बथा, जिद्दा वालों के लिए अल बलद, दमाम वालों के लिए सीको सीको। ए फ्यू मिनट्स लेटर तो हमारे सिराज भाई बेट ले लिए, पूरा दुनिया होल कराता है सामने से, ये होल करवाए हैं पीछे से। कह रहे भाई ये कौन सा होल है भाई? ये कुछ नहीं है, ये बेल्ट का साइज बड़ा है। हाँ। अभी हम यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे, इसको फेंक देंगे और ये लगाएंगे तो इसका छोटा हो जाएगा। इधर होल करेंगे तो आगे पीछे हो सकता है, जिसके वजह से अच्छा नहीं दिखेगा, इसीलिए हम पीछे होल करवाए यहाँ से कटने के लिए। भाई इसको बोलते हैं इंजीनियर माइंड, इंजीनियरिंग। ओके भाई शुक्रिया, बेल्ट ले लिया, अब जा रहे हैं आगे और देखते हैं और क्या है अल बलद में। इसके बैक साइड में गोल्ड शॉप सब है, ये अंदर में पूरा नकाब मिल रहा है। मार्केट में बिल्कुल चहल पहल नहीं है क्योंकि डे का टाइम है, रात में शाम में थोड़ा चहल पहल ज़्यादा होगा। यहाँ से बस खुलती है जिद्दा की हर सिटी के लिए। तो ये देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ है भाई, ट्रेन के अंदर।
ट्रेन की इंजन में बिल्ली भी बैठी हुई है। तो अभी हम लोग कन्फर्म करने अंदर जा रहे हैं कि भाई वो इंजन अंदर क्या चीज़ है, देखते हैं खुला है कि बंद है मालूम नहीं। ये सामने का व्यू है, बाहर पुलिस दिख रहा था। ये ट्रेन इंजन के अंदर में ये स्टॉप है, ये बंद है अभी, सब बंद है अभी फिलहाल। बैक रहा अंदर में। ये वीडियो वो लोग बहुत मिस करेंगे जो जिद्दा में रह के गए हैं, यहाँ पे काम कर गए हैं और ऑलरेडी इस जगह को देखे होंगे। तो अभी वो देखते होंगे इंडिया पाकिस्तान कहीं से भी देखते होंगे, उनको अच्छा लगता होगा ये वीडियो। बहुत मिस कर रहे हैं सऊदी को, सऊदी में जिद्दा को, रियाद को बहुत मिस कर रहे हैं इस टाइम। इस टाइम तो बहुत मिस कर रहे हैं। वीडियो का शुरू में बोले थे, वो देखिए वो सामने दिख रहा है वो सी पोर्ट है और ये सब शॉप है इधर, लेकिन ये फिलहाल ये बंद है, अभी खुला नहीं है, अभी सब खुलेगा 3 बजे के बाद, हम लोग वक्त से पहले आ गए हैं। अब इसके अंदर में है फिलिपिनी मार्केट, हम लोग इसके अंदर जा रहे हैं। ये देखिए कबियान सुपर मार्केट, ये देखिए एक सामने बिल्डिंग दिख रहा है आपको, यही ओल्ड डिजाइन से बिल्डिंग है यहाँ की अलबलद में। ये सब पूरे पुराने पुराने घर सब है, पहले मिट्टी का घर है सब, ये मिट्टी का घर है, सब मिट्टी के घर बने हुए हैं। ये देखिए इधर भी मार्केट है पूरा, यहाँ से आपको दिखता होगा पुराना बिल्डिंग, ये सब पुराना बिल्डिंग ही है, आगे भी बहुत से पुराने पुराने बिल्डिंग सब है। शायद ऐसा लग रहा है मुंबई में जैसे घर है ना बहुत से, ये वाली लग लगी उधर भी है ना स्टेशन जो है हमारा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, वैसा ही ये लग रहा है जैसे आप मुंबई में देखे होंगे CST टर्मिनल, इसी टाइप का बना हुआ है। ये पीछे एकदम पुराना मॉस्क है, मिट्टी का मॉस्क बना हुआ ना। ये सब पूरा पुराना पुराना एरिया है, कितना पुराना पुराना बिल्डिंग लग रहा है देखिए यहाँ पे। सऊदी का सबसे पुराना सिटी यही तो है ना, फर्स्ट सिटी सबसे पुरानी सिटी यही है। जो पूरा देख रहे हैं ये पूरा गोल्ड मार्केट है, बट सब कुछ बंद है, हम लोग की किस्मत खराब है अभी। ये गेट जो है हदीद का है, लोहे का, लकड़ी का नहीं, लेकिन लिख रहा है लग रहा है लकड़ी का है। ये लोहे की गेट, लकड़ी गेट नहीं है। यहाँ पे मिल रहा है सिलाई मशीन, जकी उषा का सब सिलाई मशीन मिल रहा है यहाँ पे, सऊदी के ड्रेस है यहाँ मिल रहा है, तो जो लगाते हैं वो सर पे। किस बिल्डिंग किस टाइप का पेंट किया हुआ है, पेंट किया हुआ डिजाइन से। पानी के लिए इस टाइप का बनाया गया है, स्ट्रीट पे ही बना हुआ है ये देखिए। और खाना तो लोग ऐसे ही देते रहते हैं यहाँ पे। ये बैंक है सऊदी सेंट्रल बैंक, और इस साइड में परफ्यूम शॉप की दुकान सब है, लेडीज आइटम है। ट्रेन के इंजन में कपड़े की दुकान है, ऊपर में अलबैक है, और ये पूरा एरिया है अलबलद का। अभी गर्मी से हाल ख़राब हो गया है, तो गन्ना का जूस पीते फिर जाएंगे आगे। देखिए ये रहा गन्ना ईक, और यहाँ ये जूस निकल रहा है मशीन से। मिठाई भी मिल रहा है, मिठाई जलेबी क्या चाहिए, नींबू, हाँ दादा नींबू डालो। तो ये गन्ना का जूस है बड़ा साइज का, 5 रियाल का है, और देखिए वहाँ दाम है 3 रियाल, 4 रियाल, 5 रियाल, 15 रियाल, 20 रियाल। A few minutes later. भाई जो इधर था आपने सब देख लिया, ठीक है, अब इतनी ओल्ड सिटी है, अब इसको आपने देख लिया, अब इसको आप कभी भी आओ तो इसको विजिट करो, और बहुत अच्छी जगह है, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इम्तियाज़ ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आपको इसको शेयर कीजिए। स्पेशली अगर आप ये वीडियो अगर आप इंडिया पाकिस्तान कहीं से देख रहे हैं, अगर आप सऊदी या जिद्दा सिटी में आते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट मार्केट रहेगा, आपके चॉइस का सामान यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, जैसे जो आप जो चावल मसाला जो भी हो आपको यहाँ पर सब मिल जाएगा। तो चलिए आज करते हैं वीडियो कहीं पर इन, तब तक अपना ख्याल रखिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बाय बाय।